सांसद जी आप बोलते हैं शिवपुरी में पर्यटकों को बढ़ावा देंगे और यहाँ के प्रशासन की वजह से लोग यहाँ आने को तैयार नहीं। बस स्टैंड की यात्री प्रतीक्षालय में चारों ओर पसरी गंदगी, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। नया बस स्टैंड की यात्री प्रतीक्षालय में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, लोगों की शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अव्यवस्था नगर पालिका के स्वच्छता दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। नगर पालिका के नया बस स्टैंड पर साफ सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में नगर पालिका प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। यहां पदस्थ प्रभारी सीएमओ की उदासीनता का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए न बैठने की उचित व्यवस्था है, न ही उन्हें शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। चारों ओर साफ सफाई नहीं होने के कारण यात्री प्रतीक्षालय में चारों ओर गंदगी पसरी रहने के कारण बाहर से आने वाले यात्री इधर उधर भटकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो प्रतिदिन इस बस स्टैंड से तकरीबन 250 से लेकर 300 बसें गुजरती हैं। ये बसें बस स्टैंड से प्रतिदिन भोपाल, इंदौर, दिल्ली, आगरा, झांसी, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और वहां से बैराज और भी कई जगह करीब 4,000 से 5,000 यात्री इन बसों में अपना सफर करते हैं। लेकिन बस स्टैंड पर सुविधा ना होने से यात्री परेशान हैं। प्रतीक्षालय में बनी पानी की टंकी में कई महीनों से पानी नहीं भरा जा रहा, इसके कारण यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा है। यात्री प्रतीक्षालय में पसरी गंदगी से महिला यात्रियों को भारी परेशानी होती है, वो इधर उधर भटकती रहती हैं। पसरी गंदगी और पेयजल की समस्या को लेकर बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों ने कहा कि वो कई बार नगर पालिका कार्यालय पर जाकर अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रभारी सीएमओ के मुख्यालय पर नहीं होने के कारण कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि नगर पालिका के द्वारा यहाँ से गुजरने वाली बसों से बस स्टैंड के रखरखाव के नाम पर 100 से 150 रुपए की वसूली की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यहां से यात्रियों का कहना है कि वो दोबारा शिवपुरी में नहीं आना चाहते, क्योंकि यहां पर बहुत गंदगी है, प्रशासन का ध्यान नहीं है। पीएम के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वो शिवपुरी में बेअसर दिखाई दे रहा है। पटना ये शिवपुरी के बस स्टैंड सबसे गंदा बस स्टैंड है। मैं कितने बस स्टैंडों पर घुमाऊँ, यहाँ पे ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना किसी भी दुकान पे, ना कहीं भी डस्टबिन है। मैं अभी चाय पीने गया, उस दुकानदार से मैंने पूछा मुझे डस्टबिन दीजिए, मुझे उसमें वो डालना है कूड़ादान, ठीक है, पर नहीं मिला मुझे कोई व्यवस्था यहाँ से। यहाँ से जगह जगह गंदगी हो रही है, गोबर पड़ा है। मुझे लगता है इस बस स्टैंड की सफाई शायद 15 दिन से नहीं हुई है। मेरा मैकेनिक का काम है, बसों का काम करता हूँ मैं, सुधारता हूँ बसों को। अरे बस स्टैंड पर गंदगी कितनी है, क्या कोई सफाई वफाई नहीं होती है? बस स्टैंड पर कोई सफाई नहीं होती, ना कोई देखता। अगर सफाई होती भी है ना तो बस थोड़ी आम जगह पे कर देते हैं, और बस चारों तरफ गंदगी, जैसे ये कचरा ये बिल्कुल काफ़ी दिनों से सड़ रहा है, गंदा हो रहा है, ये कभी साफ नहीं होता। कोई सफाई कर्मी नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं करता है साफ। आते हैं रोड़ों पर बस कर जाते हैं, और वैसे कोई सफाई नहीं होती।